आइए देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जरा देखिए, आपको यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 + i/(1 - i) की पावर m, और यहां पे क्या हुआ है बेटा 1। वो आपसे क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, सबसे छोटी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वैल्यू तो देखो इसका आंसर 1 कब कब आएगा, जब पावर 4 हो, फिर क्या हो 8 हो, फिर 12, मतलब 4 का मल्टीपल हो, तो हमें स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू वैसे ही पता है 4 ही आनी है, बट स्टिल आयोटा की पावर क्या होनी चाहिए। लेकिन बेटा इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, देखो बेटा इसको हमें क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने के लिए 1 + i/(1 - i), 1 + i/(1 + i), मतलब साइन चेंज करके बेटा मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर बेटा आइडेंटिटी बन गई a + b के होल स्क्वायर की, क्या होती है बेटा आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab, आयोटा बचे 1b आएगा, वो तो समझ जाओ। यहाँ पर देखिए a + b और a - b की आइडेंटिटी लग रही है डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा a² - b², और पावर कितनी है बेटा m। सॉल्व कीजिए बेटा, यहाँ पर आ गया 1 - यहाँ पर -1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बेटा -1, यहाँ पर क्या है बेटा 2i/(1 का स्क्वायर बेटा 1, और आयोटा का स्क्वायर बेटा -1, और माइनस माइनस बेटा क्या देगा आपको, प्लस देगा, क्या देगा बेटा प्लस देगा, बताइए कोई दिक्कत। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ऊपर बेटा क्या आ रहा है जरा ध्यान दीजिए, 2i/(2 की पावर m, किसके इक्वल बेटा 1 के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा की पावर क्या आ रही बेटा 1। आयोटा की पावर बेटा जब आप 1 पुट करोगे तो √1 आएगा, जब आयोटा की पावर बेटा 2 पुट करोगे तो क्या आएगा -1, 3 पुट करोगे तो -iota, 4 पुट करोगे बेटा तब आंसर क्या आता है +1। तो बेटा लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है इसकी, वो आपसे क्या कह रहा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, सो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल है, सही तो कर दिया, अच्छा लीस्ट, अच्छा ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4, सबसे छोटी बेटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या है 4 है, समझ में आ गई बात यानी। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, आई होप कि अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन।